ड्रम को जब आप बीट करते हैं तो उस ढोल को बीट करने के ऊपर के बाद आप देखते हैं कि उसके जो हमारे पास साइड में लेयर है वो लेयर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। अच्छा, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 का नेम है जी साउंड। चैप्टर 11, 10th में ये चैप्टर नंबर 2 है और वैसे ये चैप्टर नंबर 11 है और इसका नेम है जी साउंड। साउंड, अब अगर हम साउंड की बात करें, साउंड क्या है? अगर मैं साउंड के अलावा मुख्तलिफ टर्म की बात करूं, जैसे साउंड हो गया, लाइट हो गई, इसके अलावा वेव हो गई, इसके अलावा इससे रिलेटेड वेव की डिफरेंट टाइप है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई, मैकेनिकल हो गई, अच्छा इसी के अलावा लाइट से रिलेटेड हो गई, अच्छा हीट हो गई, हीट या एनर्जी कह सकते हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म हैं, ये तमाम के तमाम इनका जो बेसिक इनके अंदर कॉमन चीज़ है ना, वो है एनर्जी। क्या चीज का मन है? एनर्जी, या तो कोई एनर्जी की शक्ल होगी या फिर एनर्जी कैरी करके जा रही होगी, ये दो चीजें कॉमन है। तो एक बात माइंड में रखिएगा कि जब भी आप लाइट, साउंड, वेव, हीट, मैकेनिकल एनर्जी, हीट, इनसे मुतालिक चीजें पढ़ेंगे ना, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी, इनसे मुतालिक, तो आपके माइंड में फौरन बात आए कि यहाँ एट द एंड जो बाई प्रोडक्ट है ना, वो क्या है? एनर्जी है। तो इसलिए इन तमाम टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले इनको एज अ एनर्जी ट्रीट करना होगा। तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक शक्ल है जो क्या करती है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वी ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, या जो भी आप कह सकते हैं कि अ फॉर्म ऑफ वेव या अ टाइप ऑफ विच वेव विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वियर, बल्कि प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। दो चीजें याद रखिएगा, पहली चीज कि ये एनर्जी की ऐसी किस्म है जो किसकी शक्ल में? वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक आदमी ठहरा हुआ है जो यहाँ से बोलता है, उसके बोलने के दौरान उसके मुंह से साउंड वेव निकलेंगी और वही वाली साउंड वेव, सपोज ये पॉइंट ए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल करेंगी, ठीक है। और यही एनर्जी की शक्ल है जिसकी वजह से हमें सुनने का एहसास पैदा होता है, ठीक हो गया। तो ये दोनों बातें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड को पैदा कैसे किया जाए, साउंड को पैदा करने के मैकेनिज्म क्या हैं, व्हाट आर द कंडीशंस टू प्रोड्यूस साउंड, या यूं सवाल आते हैं हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, इसकी प्रोडक्शन को स्टडी कर रहे हैं। याद रखिएगा साउंड की प्रोडक्शन का जो बेसिक मैकेनिज्म है ना, वो है वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या चीज है? वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरा पॉइंट है कि इसके लिए हमारे पास मीडियम होना चाहिए। अगर ये दो चीजें होंगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी और आगे ट्रेवल भी हो जाएगी। अगर ये दो चीजें नहीं है तो साउंड ना ही प्रोड्यूस होगी और ना ही ट्रेवल होगी। मिसाल ले रहे हैं वाइब्रेटिंग बॉडी की, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें मैं बोल रहा हूं, मेरे गले में वोकल कार्ड वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर ये वोकल कार्ड वाइब्रेट ना करता, मैं किसी तरह इसको फिक्स करा पाऊं, तो फिर क्या होगा? मेरी आवाज नहीं निकलेगी। इसी तरह मीडियम की बात कर रहा हूं, इस कमरे में हवा नहीं है तो क्या मेरी आवाज आप तक आ सकेगी? नहीं आ सकेगी। इसको अभी हम आगे एक बेल जार एक्सपेरिमेंट आज पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हम प्रूफ कर लेंगे, वाकई वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ साथ मीडियम होगा तब ही आवाज पैदा होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी। प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर रहे हैं, इसकी कुछ एग्जांपल देख रहे हैं।
कि साउंड किस तरह वाइब्रेटिंग बॉडी के जरिए प्रोड्यूस होगी। सबसे पहली चीज जो आप हमने पढ़ी वो क्या थी, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन से भी क्या हो रही थी, साउंड प्रोड्यूस हो रही। दूसरी कोई एग्जांपल देखें जहां वाइब्रेशन हो और साउंड पैदा हो रही हो, गिटार। गिटार की मिसाल ले लें तो गिटार में भी क्या होगा, गिटार की स्ट्रिंग को पकड़े, प्लग करें, प्लग करने से उसमें वाइब्रेशन हो रही है, आवाज पैदा होगी। यानी बॉडी क्या वाइब्रेट होना लाजमी है। और कोई मिसाल दे दी, ड्रम की। ड्रम को जब आप बीट करते हैं तो उस ढोल को बीट करने के ऊपर के बाद आप देखते हैं कि उसके जो हमारे पास साइड पे लेयर है वो लेयर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से हमें आवाज आ रही है। और ये इसको कह सकते हैं डोर का नॉक करना, ठीक है, डोर का नॉक करना। डोर के नॉक करने में क्या होगा, जब आपने डोर को नॉक किया तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, उस वाइब्रेशन की वजह से आवाज आएगी। ये इसी की मिसाल ले लें व्हाइट बोर्ड की, ये देखें इसको मैंने नॉक किया, अब ये क्या हुआ, ये थोड़ा सा ही वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के बाद फिर क्या होगा, इससे आवाज पैदा होगी। अच्छा, ये हो गई हमारे पास एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और दी गई हमारी बुक के अंदर और वो एग्जाम्पल है स्टेथोस्कोप वाली। स्टेथोस्कोप वाली यानी एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करके किस तरह साउंड को सुन सकता है, ये साइड इंफॉर्मेशन एग्जांपल दी गई है उसमें। अब अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, सपोज ये स्टेथोस्कोप का वो पोर्शन है जो एक डॉक्टर अपने कान के अंदर एंटर करते हैं, ये पोर्शन वो आ गया। सिमिलरली इसके साथ हमारे पास पाइप लगा हुआ होता है और उसके एंड पर क्या होता है, डायफ्राम होता है, जिसको चेस्ट पीस का नाम भी दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। ये इस जगह पर हमारे पास एक डायफ्राम है जो के पेशेंट के चेस्ट पर, उसके मरीज का जो कभी चेस्ट पर रखते हैं कभी उसकी बैक पर भी रख देते हैं, तो इसको हम चेस्ट पीस भी कहते हैं या डायफ्राम भी नाम देते हैं। अब होता क्या है, इसमें होता यह है कि जब हम इसको चेस्ट पर रखते हैं पेशेंट के चेस्ट पर, तो उसके बॉडी में हार्ट या लंग्स की वाइब्रेशन से क्या होगा, आवाज़ पैदा होगी। वो जो आवाज़ पैदा होगी ना, वही आवाज़ इस डायफ्राम के ऊपर जो लेयर मौजूद है इस लेयर को वाइब्रेट करेगी। समझ आई, इसकी लेयर जैसे ही वाइब्रेट करेगी इसकी वाइब्रेशन जो साउंड पैदा होगी वही साउंड इस पाइप में से रिफ्लेक्शन करती हुई जाएगी, यूं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एक एक दफा टकरा के वापस आ जाए सिंगल रिफ्लेक्शन, अगर मोर देन वन रिफ्लेक्शन हो उसको क्या नाम दिया जाएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से यही साउंड वेव यहाँ से इधर मूव कर जाएगी, कुछ इधर और कुछ इस साइड। अब यही साउंड सुनकर ही डॉक्टर ये पता लगा सकते हैं कि जो मरीज़ है इसको फलां किस्म की बीमारी है, इसको फलां किस्म का इस वक्त इशू है। तो अब इसमें जो मेजर मैकेनिज्म हमने समझना था, वो मेजर मैकेनिज्म ये था कि साउंड किस तरह से हमें सुनाई देती है। अब इसमें मैकेनिज्म में क्या है, डायफ्राम का जो लेयर है उसकी वाइब्रेशन है और उसके साथ साथ चेस्ट पीस की वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के साथ साथ उस साउंड की जो वेव्स हैं वो क्या करके जा रही हैं, रिफ्लेक्शन। ये दो मैकेनिज्म हमने समझने। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद अब हम तीन एक्टिविटीज़ हैं वो देख रहे हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं करैक्टरिस्टिक्स साउंड की जो अभी हमने ऑब्जर्व करनी है। हमें कैसे आइडिया होगा कि साउंड की साउंड ये तीन पॉसिबल करैक्टरिस्टिक्स रख रही है। सबसे पहले चीज हमने ये देखना होगा कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कि वाकई ही चेक करना चाह रहे हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं होता। अभी मैंने कहा ना कि साउंड हर उस जगह पर पैदा होगी जहां जहां वाइब्रेशन होगी। हम एक्टिविटी से चेक करना चाह रहे हैं क्या वाकई वाइब्रेशन वाली जगह पर साउंड पैदा होती है या नहीं होती। उसके लिए हम एक डिवाइस लेते हैं, उस डिवाइस का नाम है जी ट्यूनिंग फोर्क। जैसे कि ये देखें आपको वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं, ट्यूनिंग फोर्क इस तरह वाई की शेप में ट्यूनिंग फोर्क है। अब इसमें बेसिक मैकेनिज्म क्या है, बेसिक मैकेनिज्म ये है कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ना, ट्यूनिंग फोर्क की ये जो ऊपर वाले यू की शेप की ये हमारे पास हैं, इनको हम कहते हैं प्रॉन्ग्स। क्या नाम दिया जाता है जी, प्रॉन्ग्स।
इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क होना चाहिए। ट्यूनिंग फोर्क के साथ साथ एक या तो हैमर हो, या हैमर के अलावा कोई ऐसी चीज़ आपके पास मौजूद हो जिसके ऊपर आप ट्यूनिंग फोर्क को टच कर सकें ताकि उससे वेव्स पैदा हो सकें। यह आपने जी हैमर लेनी है और ट्यूनिंग फोर्क भी आपने लेनी है। अच्छा, अब ये लेने के बाद अगला प्रोसेस क्या करना है, आप जब ये चेक करना है कि इसको हैमर को इससे टच करेंगे ना, हैमर को टच करने के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन ये होगी, फर्ज करें हैमर को आपने इस प्रोंग ए के साथ टच किया, टच करने के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि प्रोंग ए अगर आपने इस साइड से टच किया है तो वो पहले इस साइड पे जाएगा, फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, फिर इस तरफ को जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। मतलब क्या होगा, ये प्रोंग अपनी जगह पर ठहर कर क्या कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ इसकी वाइब्रेशन होती है। अब ये वाइब्रेशन अमूमन इतनी थोड़ी होती है, ये इतनी कम होती है, कर रहा होता है वाइब्रेट, बट इतनी कम वाइब्रेशन है उसकी कि हमें आम आँख से लगता है कि वाइब्रेशन है ही नहीं। तो उसको चेक करने के लिए क्या वाकई ही ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रोंग्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जिससे हमें साउंड आ रही है, यानी इसकी वाइब्रेशन से हमें साउंड तो आ रही होती है बट हमें ये नहीं पता लग पा रहा होता कि जो साउंड है ये वाकई इसकी वाइब्रेशन से पैदा हुई है या नहीं हुई। उसके लिए दो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। पहली एक्टिविटी क्या है, पहली एक्टिविटी ये है कि आप यही ट्यूनिंग फोर्क लें और इसी ट्यूनिंग फोर्क को आप रबड़ से या हैमर से या किसी भी चीज़ से टच करें। टच करने के बाद अगला काम क्या होगा, अभी टच नहीं करना, टच करने से पहले आप एक काम कर लें, एक पिंग पोंग बॉल ले लें। पिंग पोंग बॉल कैसी होती है, वाइट कलर में भी होती है, डिफरेंट कलर में, बिल्कुल हल्की प्लास्टिक की बॉल। अमूमन आपने देखा होगा ये जो मुख्तलिफ लॉटरी वगैरह लेते हैं ना, उसमें वाइट कलर में बिल्कुल हल्की सी बॉल होती है, उसको अगर आप फूंक भी मारें वो उड़ जाती है, वो वाली बॉल उसको हम कह रहे हैं पिंग पोंग बॉल। वो बॉल आप रस्सी के साथ बांध के अटैच कर दें, ये अटैच हो गई। अटैच करने के बाद अब आप ट्यूनिंग फोर्क लें, जैसा कि देखें आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं, इसके अंदर एक ट्यूनिंग फोर्क है और उस ट्यूनिंग फोर्क के साथ हमने क्या किया हुआ है, एक हैमर भी साथ लिया हुआ है। अब ट्यूनिंग फोर्क को जब हैमर से टच करते हैं, टच करने के बाद इसकी जो प्रोंग्स हैं, प्रोंग्स के अंदर क्या आ जाएगा, वाइब्रेशन। हमें चेक करना है क्या वाकई ही वाइब्रेशन है या नहीं। तो जो ही अब देखें हम इसको इसके करीब लेकर गए, तो करीब लेकर जाने पे क्या होगा, इसकी अगर हुई वाइब्रेशन तो ये जो हमारे पास प्रोंग है कहाँ चला जाएगा, यहाँ से उड़ के यूँ इस तरफ को चला जाएगा, फिर जब वापस आएगा, वापस आने के बाद दोबारा उस तरफ को चला जाएगा, फिर जब वापस आएगा दोबारा चला जाएगा। ये किस चीज़ की पहचान होगी कि यहाँ वाइब्रेशन हो रही है, उसी वाइब्रेशन की वजह से ही इसके अंदर क्या हो रही है, इसमें इसको टच हो रहा है, टच होने से बार बार उधर जा रहे हैं। फ़र्ज कर लिया ट्यूनिंग फोर्क की प्रोंग्स में वाइब्रेशन ना होती, तब क्या होता, तब ये जो हमारे पास हमने पिंग पोंग बॉल ली हुई है तो पिंग पोंग बॉल वहीं पर पड़ी रहती, उसके उसको कुछ भी ना होता। अच्छा, इसी चीज़ को एक और एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं, आप अपने घर में क्या ले लें, एक बाउल ले लें और उस बाउल के अंदर ना आप पानी भर लें, बाउल लेके उसके अंदर पानी भर लें, या गिलास ले लें या बाउल ले लें, इट्स अप टू यू। बाउल लेने के बाद उसके अंदर पानी भर दिया, पानी भरने के बाद अब अगेन उसी ट्यूनिंग फोर्क को लें, ट्यूनिंग फोर्क को लेने के बाद आपने इस ट्यूनिंग फोर्क को या तो हैमर से टच करें या किसी भी चीज़ से नीचे जो हार्ड चीज़ हो टच करें, टच करने के फौरन बाद इसके अंदर डिप करें, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो जैसे डिप किया क्या नज़र आया आपको, डिप करने के बाद आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके अंदर पानी के छींटे उड़े हैं और पानी के जो स्प्लैशेज हैं, स्प्लैशेज उड़ने की बेसिक रीज़न क्या है, अगर ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट ना कर रहा होता तो कभी भी आपको यहाँ पानी के स्प्लैशेज उड़ते हुए नज़र ना आते। अगर यही पहचान है इसकी कि वाकई ही ये ट्यूनिंग फोर्क जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस करने के पीछे लॉजिक यही है कि ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इन दो एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमने देख लिया कि वाकई इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस करने में वाइब्रेशन लाजमी है, वाइब्रेशन के बगैर साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बेल जार एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग
अब इसमें क्या चेक करना होगा, हमने ये चेक करना होगा कि साउंड रिक्वायर मीडियम। हमने ये तो कह दिया चैप्टर नंबर 10 में कि ऐसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर है मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव की मैंने वहां एग्जांपल आपको वाटर वेव भी दी थी, साउंड वेव भी दी थी। साउंड वेव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर इस कमरे में से आप हवा निकाल दें तो फिर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। उस चीज को प्रैक्टिकली अब ऑब्जर्व करने के लिए हमने लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है जी बेल जार एक्सपेरिमेंट। इस बेल जार एक्सपेरिमेंट को देखें, इस वीडियो के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर एक्चुअली अब हो क्या रहा है, एक हमने सादा सा होममेड बेल जार एक्सपेरिमेंट लिया हुआ है। बेल जार एक्सपेरिमेंट जो हमारी बुक के अंदर जो डायग्राम बनाई गई है उस डायग्राम के अंदर यह है कि उसकी जो बेस होनी चाहिए ना, बेस में यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा हुआ होना चाहिए। हमारी बुक की डायग्राम के मुताबिक यहाँ क्या हो, वी पंप बना लिख देता हूँ, यानी हमारी बुक की डायग्राम के मुताबिक वैक्यूम पंप। बट ज़रूरी नहीं है कि आप वैक्यूम पंप को हमेशा नीचे ही रखें, आप डेली लाइफ में जो इस तरह का बेल जार एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें मुमकिन है कि जो वैक्यूम पंप है वो साइड से लगा लें, मुमकिन है वैक्यूम पंप ऊपर से लगा लें। बहरहाल जो मैं आपको अभी एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर आप ऑब्जर्व करें, इसके अंदर जो वैक्यूम पंप है वो ऊपर लगा हुआ है। किस तरह से लगा हुआ है, सबसे पहले चीज़ के ये देखें, आप इसके अंदर लिड लगा रहे हैं, तो लिड लगाने से पहले हमने इसकी नीचे, ये हमारे पास एक हैंगिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ हमने यहाँ पर एक बेल लटका दिया। बेल को बजर का नाम भी दिया जाता है, बेल हमने अटैच कर दिया। अब ये जो आपको वीडियो में बेल नजर आ रही है, कैसी है बेल, ये बेल इस तरह की है कि इसके अंदर हमने छोटे छोटे पॉलीथीन की बाल्ज रख दी हैं। वो बाल बिल्कुल हल्की बाल हैं, उसका फायदा क्या है कि अब ये बेल बज रही है, बेल बजने के दौरान आप ये देख रहे हैं कि ये जो पॉलीथीन की जो बाल हैं ये ऊपर नीचे हो रही हैं। इस चीज़ की पहचान है कि ये बेल ऑन है। बेल ऑन करके हम ढक्कन को बंद कर रहे हैं, तो ढक्कन बंद करने के बाद आपको आवाज़ सुनाई दे रही है इसकी। अभी फिलहाल क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि इसके अंदर हवा मौजूद है। ठीक हो गया, ढक्कन बंद हो चुका है, बेल ऑन है, हवा अंदर होने की वजह से आपको अंदर वाली जो बेल बज रही है अंदर, उसके बाहर शीशा होने के बावजूद भी इसकी आवाज आ रही है। आप ये इस वीडियो के अंदर सुने। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वैक्यूम पंप लगाए हुए हमने इधर से इस साइड, देखें वीडियो में आपको नजर आ रहा है, इस तरह से पंप सब बना हुआ है और उससे एक पाइप इधर लगा हुआ है और उसका कनेक्शन आपस में इसके साथ भी है और हम उसको उस साइड से वैक्यूम पंप के थ्रू अंदर से हवा निकाल रहे हैं। अब हवा निकालने के बाद क्या होगा, हवा जैसे जैसे निकालते जा रहे हैं, अब जरा सुने, वो हवा निकलती जा रही है, इसमें जो इसकी बेल की आवाज़ है वो कम होती जा रही है। इसको जरा गौर से सुने अब, तो अब आपने महसूस किया कि इसकी आवाज़ कम होती जा रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अंदर से वो हवा निकालता जा रहा है, वैक्यूम क्रिएट करता जा रहा है, यानी मीडियम ख़त्म करता जा रहा है, तो आवाज़ ख़त्म होना शुरू होगी। अब दोबारा चेक करें, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोबारा वैक्यूम पंप के जरिए जो हमने हवा निकाली थी उसको खोल देते हैं, अंदर वाली हवा सारी आ जाएगी। अब ज़रा देखें वीडियो में, तो अब देखें इसमें हवा आई, अब आवाज़ आपको आना शुरू हो गई है, सुने ज़रा इसकी आवाज़। तो अब ये आवाज़ आना शुरू हो गई, ये किस चीज़ की पहचान है कि वाकई ही इसमें क्या है, इसको अगर हवा होगी तो साउंड आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यानी अगर तो मीडियम होगा तो साउंड सुनाई देगी, अगर मीडियम नहीं है तो साउंड सुनाई नहीं देगी। ये हमारा था बेल जार एक्सपेरिमेंट। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, लास्ट पॉइंट पर थर्ड वन, अब हमने ये चेक करना है कि साउंड किस चीज़ की, मैकेनिकल वेव की दो टाइप पड़ी थी, कौन कौन सी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। हमने वहाँ पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी होती हैं, ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स की मोशन और वेव की मोशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या हो,
पैरेलल हूं, इसको क्या नाम दिया जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या साउंड मैकेनिकल वेव के अलावा, ये तो अब एक्टिविटी से क्लियर हो गया कि वाकई साउंड को मीडियम रिक्वायर होता है ट्रेवल करने के लिए। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि मीडियम के अलावा अब ये भी है कि क्या साउंड मैकेनिकल वेव की टाइप लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है। हम कहते हैं कि नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कैसे उसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है। फर्ज करें मैं यहां पे बोल रहा हूं, मेरे बोलने के दौरान मेरे मुंह से क्या निकल रही है? साउंड वेव। साउंड वेव आगे ट्रैवल कर रही है, जो ही आगे ट्रैवल करती है ना, मेरे मुंह से आगे सारा इस कमरे के अंदर क्या मौजूद है? हवा। हवा के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। यहां हवा के मॉलिक्यूल्स की एक लेयर है, उसके आगे एक लेयर है, उसके आगे एक लेयर है, यानी पूरे कमरे के अंदर मॉलिक्यूल्स की लेयर है जो हमें नजर नहीं आ रही। तो यहां फर्ज करें कि मैंने यहां एक ऑब्जेक्ट बना दिया सोर्स जो कि साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस साउंड वेव के आगे यहां पर हवा के मॉलिक्यूल्स की लेयर पड़ी हुई है। इस तरह हवा के मॉलिक्यूल्स लेयर्स की शक्ल में यहां सामने मौजूद हैं। मैं यहां हवा के मॉलिक्यूल्स की चंद एक लेयर्स बना देता हूं। ये इस तरह से चंद एक लेयर बना ली हमने, अंडरस्टैंडिंग के लिए चंद एक बनानी है, वरना यहां मैक्सिमम लेयर्स होती हैं, चंद एक लेयर हम बना चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन लेयर्स के बनाने के बाद अब यहां से इस आदमी को कहते हैं जी बोलना शुरू कर दे। अब जो ये बोलेगा ना, बोलने के दौरान आप क्या मैकेनिज्म ऑब्जर्व करेंगे? अच्छा, बोलने से पहले फिलहाल ये देखें जो हवा के मॉलिक्यूल हैं वो किस तरह से पड़े हुए हैं। अगर आप गौर करें, ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम हवा के मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक ही डिस्टेंस पर पड़े हैं। इसका मतलब क्या कहेंगे? इसका मतलब हम ये कहेंगे तमाम मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है ना, वो क्या है? सेम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम डेंसिटी है, एक ही फासले पर पड़े हुए हैं, कहीं कम या कहीं ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसे पड़े हुए हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसके अंदर। जो यहां से बोलेंगे, बोलने के दौरान यहां से साउंड वेव पैदा होगी, और वो साउंड वेव किसकी शक्ल में जाएगी? वेव की शक्ल में इसमें जैसे एंटर होगी। एंटर होते ही अब साउंड क्या लेके जा रही है? एनर्जी। वो एनर्जी सबसे पहले पहले वाले जो पार्टिकल हैं उनको शिफ्ट करेगी, वो पार्टिकल अगलों को शिफ्ट करेंगे, वो पार्टिकल अगलों को शिफ्ट करेंगे, ऐसे हर पार्टिकल अगले पार्टिकल को एनर्जी शिफ्ट करता जाएगा। याद रखें, शुरू शुरू वाली जो पहली दो तीन लेयर होंगी, जब उनको साउंड वेव एनर्जी देगी, एनर्जी देते ही अब इस जगह पर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? करीब। यानी हम यहां ये कहेंगे कि इस जगह पे जो डेंसिटी है वो क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अब यहां डेंसिटी बढ़ चुकी है, बट उसके आगे वाले मॉलिक्यूल जहां एनर्जी नहीं पहुंची, वो मॉलिक्यूल वैसे के वैसे ठहरे हुए हैं जैसे पहले थे। मतलब यह हुआ कि इस जगह जहां प्रेशर ज्यादा है या हवा आवाज ने एनर्जी दे दी है, वहां पर डेंसिटी बढ़ चुकी है, जबकि इससे अगले पोर्शन में डेंसिटी इसके मुकाबले में कम है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या होगा यहां पर यह होगा कि इस जगह पर हवा के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो जाएंगे, उनकी लेयर्स करीब करीब हो जाएंगे, जबकि उससे आगे जो लेयर्स होंगी वो ऑलमोस्ट उतने ही डिस्टेंस पर होंगी जितने पहले थी। अब गौर करें, यहां कुछ जगहों पे क्या बन रही हैं? लेयर्स करीब, कुछ जगहों पे दूर। तो पढ़ा था हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो चीजें बनती हैं, कौन कौन सी? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। हमारे यहां बोलने में साउंड वेव ने इस एयर के अंदर क्या कर दिया है? कंप्रेशन, हवा के मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन रेयरफैक्शन प्रोड्यूस कर दिए हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, यहां जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं ये जा भी आगे की तरफ रहे हैं और जो एनर्जी शिफ्ट करते जा रहे हैं, और जो हमारी वेव है वो भी कहां जा रही है? आगे की तरफ। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल। तो यहां इन दोनों बातों से क्लियर हो गया कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन भी पैदा हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं ये भी और साउंड भी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो ये इस चीज की पहचान है कि वाकई ही साउंड वेव किसकी एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। तो इस एक्टिविटी से भी हमने क्लियर कर लिया कि ये साउंड मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और साउंड वाइब्रेशन से पैदा होती है। तो ये तीन बातें आपने साउंड के बारे याद रखनी है जो हमने ये डिफरेंट एक्टिविटीज से परफॉर्म की हैं। अब इससे रिलेटेड किसी किस्म का आप सवाल करना करें।